हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपकी फेवरेट सीरियल साथ निभाना साथिया में हेमा खेल रही है कनक के साथ मिलकर झूठा खेल। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड में इस बात का बड़ा खुलासा होने वाला है कि गहना की ड्राइविंग का सबसे पहले ध्यान कनक को ही पड़ा था और गहना को फंसाने के लिए और इस घर में बेइज्जती करवाने के लिए और बाकी नज़रों से गिराने के लिए कनक और हेमा ने मिलकर ही जाल बुना है। वही एक्सीडेंट हुआ ही नहीं था और जितना नाटक तो हेमा ने कर डाला है और अब बेचारे अनंत ने खुद पर इल्ज़ाम ले लिया है क्योंकि गहना तो उसे सरप्राइज देना चाहती थी लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया और उससे एक्सीडेंट हो जाने की वजह से कनक के कहने पर वो सच्चाई छुपाती है। बार बार बताने की कोशिश भी करती है लेकिन कनक नहीं चाहती कि इतनी जल्दी आसानी से अनंत और गहना के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। तो उस मामले को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है कि अनंत को गलतफहमी हो गई है कि गहना ने उसे झूठ बोला, यहाँ तक कि एक्सीडेंट वाली बात भी छुपाई और इसीलिए गुस्से में ही सही अनंत गहना को बचाने के लिए खुद पर इल्ज़ाम ले लेता है। लेकिन जल्दी ही अब सच्चाई सामने आएगी कि ये सब कुछ ड्रामा तो कनक और हेमा ने मिलकर किया है गहना को फंसाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये नकली ड्रामा चल रहा है हेमा का और यहाँ पर जल्दी ही सच्चाई सामने आएगी कि हेमा का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, वो तो सब कुछ ड्रामा है और ये झूठा एक्सीडेंट का ड्रामा कर रही है, वो भी उस कार ड्राइविंग स्कूल के टीचर यानी जो ड्राइवर था उसी के साथ मिलकर। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा खुलासा सामने आएगा जब कनक और हेमा साथ मिलकर यहाँ पर पैसे दे रहे होंगे उस ड्राइवर को जो सिखा रहा था और यहाँ पर गहना उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेगी और उसके बाद में सारी सच्चाई सामने आ जाएगी और कनक और हेमा से वो पूछे कि आखिर आपने ऐसा किया क्यों। तो गहना के सामने वो बताएगी कि अच्छा तो तुम इतनी बड़ी प्लानिंग करो और हेमा कहेगी कि तुमने मेरे भैया को जेल भिजवाया और तुम चाहते थे एनिवर्सरी मनाना, मेरा भाई जेल में सड़े और तुम यहाँ पर सेलिब्रेट करो। और यहाँ पर हेमा और कनक का बुरी तरह से गहना के सामने चेहरा सामने आएगा कि इन लोगों ने बदला लेने के लिए गहना से ये सब कुछ ड्रामा रचा है और कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था और गहना अब बेचारी सब फंस चुकी है बुरी तरह से। लेकिन अब सच्चाई सामने आने के बाद वो सारा राज से पर्दा उठाई देगी और अनंत को भी बचाएगी और खुद को भी।